सभी बीटेक के सभी बच्चों का मेरे ऑनलाइन चैनल पर फिर से स्वागत है। और आज जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का उसका आगे का पोर्शन बताने जा रहा हूँ कि न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। ये पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन मैं करके आपको दिखाता हूँ कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए एसएल यूजेस Zn(Zn2+) and Az+(Az), मतलब ये इलेक्ट्रोड दे रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स राइट द सेल्फ रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन आपको बताना है, हाफ सेल रिएक्शन लिखना है, नेट सेल रिएक्शन लिखना है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल, सेल का ईएमएफ भी आपको बताना है, और दिया है यहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं कि हम लोग इसका हाफ सेल रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं। तो हाफ सेल रिएक्शन पहले देखेंगे, फिर सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका बताएंगे। तो देखिए हाफ सेल रिएक्शन लिख के देखते हैं पहले। तो हाफ सेल रिएक्शन लिखने का तरीका देखिए कैसे लिखते हैं। हाफ सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन मतलब आधा सेल रिएक्शन लिखना होगा हाफ ऑफ करके। तो देखिए पहले इसको लिखिए, इसको कैसे लिख सकते हैं देखिए यहाँ पे। इसका कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है देखिए Zn, देखिए Zn का कन्वर्जन किस में हो रहा है, Zn+2 में, यानी दो इलेक्ट्रॉन क्या है बाहर जा रहा है, यही तो मतलब है। मतलब ये प्रोसेस कैसी है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है। दूसरा देखिए, देखिए Az, देखिए Az प्लस चार्ज लगा है, देखिए प्लस चार्ज लगा इस पर, ऐसे एक प्लस चार्ज लगा है और ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, Az में हो रहा है। ये कब कन्वर्ट होगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तभी तो कन्वर्ट होगा। तो देखिए हाफ सेल ये हो गया, ये आधा हाफ सेल ये हो गया, क्लियर है। अच्छा अब देखिए पूरा सेल लिख दीजिए, ओवरऑल सेल का रिएक्शन। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस पूरे में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से, दो से। तो दो से मल्टीप्लाई कर दें, तो दो से मल्टीप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा ऐसा। तो अब लिखिए, देखिए हो जाएगा ये Zn हो गया प्लस, यहां दो का मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा 2Ag+, हो गया। अब खत्म हो गया इधर का, एरो लगा लो। देखो तो Zn+2 हो गया, देखो तो Zn+2 हो गया और ये क्या हो गया, 2Ag हो गया, देखो ऐसे। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है, तो ये हाफ सेल रिएक्शन हो गया और ये हमने क्या लिख दिया है, आपका नेट सेल रिएक्शन लिख दिया, तो ये नेट सेल रिएक्शन कहलाता है। तो ये हो गया, सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो देखिए पहला कह रहा है राइट द सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसका क्या तरीका होगा। तो सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका हम कैसे दिखा सकते हैं, तो देखिए हम कैसे लिख सकते हैं सेल कैसे दिखा सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं देखो Zn, देखो यहां से ऑब्लिक Zn+2, ये सॉल्ट ब्रिज का साइन होता है ऐसे। फिर क्या लिख सकते हैं, देखो Az ओके प्लस ऑब्लिक Ac, ये सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ऐसा। तो ऐसे सेल रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो क्या क्या वैल्यू दिया है, क्या पूछ रहा है, तो सेल का ईएमएफ पूछ रहा है, तो जो पूछे वही लिखा करिए। ये कह रहा है ईएमएफ, ये कह रहा है, और ये मैंने आपको क्या बता के रखा है, मैंने आपको बता के रखा है ये होता है क्या, ई नॉट कैथोड माइनस E0 anode, ये होता है, ये फार्मूला है ऐसा। अब देखिए अब कैथोड एनोड पहचान लीजिए, तो देखो यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ तो ये क्या हो गया, एनोड हो गया, और यहां पर रिडक्शन हुआ ये क्या हो गया, कैथोड हो गया। अब वैल्यू देखो किसकी दी गई है, अब देखो देखो Zn+2 से Zn हो रहा है, देखो Zn+2 से Zn, मतलब ये वैल्यू जो है ऑक्सीडेशन की नहीं है, किसकी वैल्यू है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। अच्छी बात है, हमें सारी वैल्यू किस में रखनी होती है, रिडक्शन पोटेंशियल में ही रखनी होती है, तो रिडक्शन पोटेंशियल में दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। देखो ये वैल्यू देखो किस में दिया है, तो Ag+ से Az दिया है, वो Ag+ से Az, यानी ये वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल में है, तो दोनों वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल में है, यानी सब कुछ ठीक है, यानी रिडक्शन पोटेंशियल में है तो कुछ भी दिक्कत आपको नहीं है। यानी अब अगर मुझे निकालना होगा यहां से, तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं करूंगा ईएमएफ, ये कैथोड का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कैथोड देखिए कौन सा है, कैथोड आपका ये है, यानी 0.80 माइनस, ये भी माइनस साइन है, तो 0.76, दोनों को जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा 0.80 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.76, एडअप करेंगे तो ये हो जाएगा 6 का 6
15 तो 1.56 वोल्ट। देखिए प्लस आ रहा है मतलब ये रिएक्शन फिजिबल है, मतलब ये रिएक्शन हो सकता है, ऐसा ये आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हम इसको कर सकते हैं, ये क्वेश्चन लगाने का इसका तरीका होता है। तो ये आसान तरीका इसका क्वेश्चन को लगाने का है। इसमें और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको काफी कंफर्म हो जाएगा कि कैसे ये लग रहा है। आगे भी देखते हैं इसमें है। देखो भाई एक और क्वेश्चन आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन जो है कुछ हटकर है, क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा समझना पड़ेगा कैसे क्वेश्चन किया जाएगा। कह रहा है कैन अ कॉपर स्पून बी यूज टू स्टीयर अ सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, सपोर्ट योर आंसर विथ रीजन। कह रहा है कि क्या कॉपर के स्पून से जिंक सल्फेट के सोल्यूशन को आप मिला सकते हैं और इसको आपको एक्सप्लेन करके बताना है। देखिए अगर मान लीजिए चम्मच हमने लिया कॉपर का और सोल्यूशन है जिंक सल्फेट का, तो इसको मिलाने का मतलब ये है कि दोनों रिएक्शन ना करें। अगर रिएक्शन कर जाएंगे तो एक एनोड बन जाएगा, एक कैथोड बन जाएगा, तो क्या होगा, एक का क्रोजन होने लगेगा और दूसरे का क्रोजन नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर तभी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जब दोनों के बीच रिएक्शन ना होता हो, तभी इस्तेमाल हो पाएगा। अगर रिएक्शन होगा तब इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई सोल्यूशन किसका है, सोल्यूशन देखिए है जिंक सल्फेट का, यही जिंक सल्फेट है। और कह रहा है भाई कॉपर का चम्मच है ये, कह रहा है कि अगर ऐसा है तो होगा क्या, अगर रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा, अगर रिएक्शन करते हैं तो ये किसमें बदल जाएगा, बदल जाएगा कॉपर सल्फेट में और जिंक अलग हो जाएगा अगर रिएक्शन ऐसा होगा। ठीक है, देखते हो पा रहा रिएक्शन कि नहीं हो पाएगा। तो अगर इसके अनुसार आप देखो तो देखो ZN का कन्वर्जन, ZN यहां पर है प्लस टू स्टेज में ऐसा, और ये कन्वर्ट हो रहा है ZN में। तो देखो ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, ZN में, ZN है जीरो, कॉपर है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में और यहां कन्वर्जन है प्लस टू में ऐसा। यानी कहने का मतलब है कि देखिए यहां पर प्लस जीरो से प्लस टू होना मतलब ऑक्सीडेशन होना यहां दिखा रहा है, और प्लस टू से जीरो होना इसका मतलब रिडक्शन होना। तो ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है। यानी अगर मुझे सेल के फॉर्म में लिखना होगा, अगर मैं चाहूं कि सेल के फॉर्म में लिखूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं, देखो मैं लिख सकता हूं Cu कन्वर्ट इनटू Cu2 प्लस यहां पे। और सेल के फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूंगा तो कैसे लिखूंगा, देखो Zn 2 प्लस, ये 2 प्लस वाला ये है ऑब्लिक Zn ऐसा। यानी कहने का मतलब है कि इसका बिहेवियर कैसा होगा, तो ये बिहेव करेगा किसकी तरह, एनोड की तरह, भाई ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये बिहेवियर कैसा होगा, कैथोड की तरह ऐसा होगा ना। यानी ये एनोड की तरह बिहेव करेगा, ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा। अब अगर ये सेल है वास्तव में बनेगा तो इसके लिए निकाल लीजिए ई नॉट की वैल्यू, यानी ई नॉट सेल निकाल लो, और ये वैल्यू क्या होती है, ये होती है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, कैथोड से एनोड माइनस करना है। अब वैल्यू देखो किसका दिया हुआ है, देखो दिया है ZN प्लस टू से ZN, तो ZN प्लस टू से ZN प्लस टू से ZN, तो मतलब ये है रिडक्शन वैल्यू, तो रिडक्शन की वैल्यू दी है तो रिडक्शन ही चाहिए हमको। ये वैल्यू कॉपर प्लस टू से कॉपर, ये भी रिडक्शन की वैल्यू है, ये भी प्रोसेस रिडक्शन का ही है, तो ये वैल्यू में भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। यानी दोनों वैल्यू किसकी है, रिडक्शन पोटेंशियल की दे रही है, तो चेंज वैल्यू नहीं करनी पड़ेगी, अच्छी बात है। अब करना क्या होगा, कैथोड कौन बिहेव कर रहा है, तो कैथोड की वैल्यू ये है, यानी ये वैल्यू कैथोड वाली है, यानी माइनस 0.80 ये कैथोड वाली वैल्यू है, और माइनस, और ये जो वैल्यू है प्लस 0.34 ये एनोड वाली वैल्यू थी ऐसे, तो ये एनोड की तरह बिहेव कर रहा था। तो अब देखो कितनी वैल्यू हो जाएगी, दो जगह माइनस 0.80 माइनस 0.34, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो माइनस माइनस जब प्लस हो जाएगा तो माइनस यानी हो जाएगा जोड़ लो, तो ये 4 का 4 हो जाएगा और 11 यानी 1.14 वैल्यू किस में आ रही है, माइनस में आ रही है। मतलब कभी भी ऐसा सेल नहीं बन सकता है,
वो वैल्यू किस में आ रही है, माइनस में आ रही है। तो इस तरह का सेल नहीं बन सकता है। और अगर सेल नहीं बन रहा है मतलब रिएक्शन भी नहीं होगा, यानी रिएक्शन नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि कॉपर स्पून जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर रिएक्शन होता तब इस्तेमाल नहीं करते, तब तो एक एनोड बन जाता, एक कैथोड बन जाता, एक का कोरोजन होने लगता। तो देखिए रिएक्शन नहीं हो रहा है, नेगेटिव का मतलब क्या बताया मैंने, रिएक्शन का ना होना। तो देखिए नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है तो मतलब कॉपर को स्पून के फॉर्म में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी देख करके जा सकते हैं। तो ऐसे कुछ और क्वेश्चन हम नेक्स्ट इक्वेशन पे अगले वीडियो में बना के आपको दे देंगे, तो नेक्स्ट इक्वेशन हम उसमें समझ लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।